हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, आरआरबी जेई सीबीटी 2 आंसर की आने के बाद ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कंप्लेन और मैसेज आ रहे हैं कि उनके आंसर की में गड़बड़ी है। गड़बड़ी दोस्तों ऐसे हैं कि जैसे कि उन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किए, फिर भी वहाँ पर अटेम्प्ट दिखाया जा रहा है और उसके बदले में उन्हें नेगेटिव मार्किंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे ज़्यादा मैटर आ रहा है वो ये है कि उनके आंसर की बदले हुए नज़र आ रहे हैं, उनके आंसर की में चेंजिंग है। उन्होंने एग्जाम टाइम में कुछ और वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन अब कुछ और वहाँ पर रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो ऐसे दोस्तों ये सारे मैटर दिख रहे हैं जो आंसर की में गड़बड़ी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करें कि जो ऑब्जेक्शन का जो उन्होंने सेक्शन दिया था 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि जिसमें वे लोग अपना आंसर की चेंज या फिर ऐसा इस तरह का कोई मैटर को ऑब्जेक्शन रेज कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और इस गड़बड़ी होने के क्या वजह हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ इस चीज़ को एक एक करके। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम या इस गड़बड़ी होने की एक ही वजह हो सकते हैं दोस्तों। आपने जब हो सकता है ऐसा कि जब आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो वहाँ वहाँ पर मार्क कर रहे थे, आंसर रिस्पॉन्स दे रहे थे, तो वहाँ पर कई चार ऑप्शंस थे। एक ऑप्शंस था कि उसे बिना कुछ किए ही, बिना फिल किए हुए नेक्स्ट कर दीजिए, या फिर उसमें अपना रिस्पॉन्स दे करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। और तीसरा ऑप्शन था दोस्तों, एक तो मार्क एंड रिव्यू एंड सेव का ऑप्शन था, उसके बाद नेक्स्ट का। चौथा ऑप्शन था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसे मार्क फॉर रिव्यू, नो रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि जो मार्क्स फॉर वो था कि नेक्स्ट, और बिना उसमें कुछ रिस्पॉन्स दिए नेक्स्ट करने का ऑप्शन था, रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों हो सकता है कि यही जो मार्क्स फॉर नेक्स्ट और रिव्यू वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये मार्क्स फॉर सेव हो गया है, क्योंकि दोस्तों यही चीज़ें यही निकल के आ रही हैं कि यहीं पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, जिसकी वजह से गड़बड़ी देखने को आ रही है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो आंसर शीट आई है उसमें भी आपको कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि किस ऑप्शन पे आपने सीधे सीधे आपने रिस्पॉन्स दिया है और किस पे मार्क एंड रिव्यू दिया है, और किसको आपने इग्नोर किया है और किस पे क्या किया है। उस पे सिर्फ दोस्तों तीन ही चीज़ दिया गया है कि करेक्ट, इनकरेक्ट, और फिर साथ ही साथ नॉट आंसर्ड। ये नहीं कहीं पर बताया गया कि वहाँ पर आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव किया था, या फिर सिर्फ और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया गया था। तो दोस्तों मैं अगेन बताना चाहूँगा कि यही चीज़ें हैं जो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया गया है दोस्तों, यहाँ पर सेव नहीं किया गया है। जबकि इन्होंने क्या किया कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम या जो भी इशू है, उन्होंने मार्क फॉर रिव्यू को भी सेव्ड कर दिया है। इसी की वजह से दोस्तों आपके यहाँ पर रिस्पॉन्स की शो कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें बताई जा रही है। तो दोस्तों इसके अगेंस्ट में यही है कि आप जो चीज़ें मैं यहाँ पर वजह बता रहा हूँ, जो कारण बता रहा हूँ, इसी चीज़ को दोस्तों आप एक प्रूफ के तौर पर ये लिख करके बका दें अच्छे से। और साथ ही साथ दोस्तों जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिस शिफ्ट में आ रहे हैं, वो सारी डिटेल्स का स्क्रीनशॉट बना करके दोस्तों आप लोग आरआरबी की सभी ट्विटर हैंडल और मेल पर एकदम सभी को माननीय रेल मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, उनको भी टैग करते हुए इस चीज़ पे कंप्लेन जरूर फाइल करें दोस्तों, कि आप में जो मार्क फॉर रिव्यू डाला था वो भी आपके मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव्ड हो गए, और इसके वजह से आपके निगेटिव आ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो कई सारे चेंज्ड भी ऑप्शंस हैं, तो इनको भी आप यही इसी चीज़ों को लिख करके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और इसी को दोस्तों आप प्रूफ भी बना सकते हैं कि यही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों क्योंकि इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं बैठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर स्क्रीन की मॉनिटरिंग तो हुई है, लेकिन वो सारे सीसीटीवी कैमरे से हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से नहीं हुआ है। इसलिए वहाँ पर दोस्तों कोई प्रूफ नहीं मिलता है, आपको एविडेंस नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ यही एविडेंस है कि एविडेंस इसी को बनाया जा सकता है, या यही लॉजिक दिया जा सकता है कि आपने जो मार्क फॉर रिव्यू डाला था वो उसी मार्क फॉर रिव्यू को उन्होंने मार्क फॉर सेव्ड कर दिया, और उस पर आपका गलत रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर आपका आंसर की बदले हुए आ जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक कैंडिडेट ऐसे ही वहाँ पर ऑब्जेक्शन करे और ट्वीट और मेल करे। नहीं तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि एक एक नंबर अगर गलत हो रहे हैं तो 0.33 मार्क्स जा रहे हैं आपके, और जो मिलने वाले थे मार्क्स वो भी जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को करवाइए दूसरों से भी, ट्वीट मेल भी करवाइए आरआरबी के, सभी आरआरबी के दोस्तों। आपका अगर आपको अपने आरआरबी का नहीं है तो दूसरे आरआरबी को भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, अपनी ब्रांच, डेट, नेम, सारी चीज़ दोस्तों वहाँ पर शिफ्ट वगैरह मेंशन करके कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं वो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में अपडेट के साथ।